मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों की हार्दिक बधाई है कि आप लोग पिछले कक्षा 10 को पास कर 11 कक्षा में आप लोगों ने प्रवेश किया, ठीक। और आप लोग अच्छे से मेहनत किया और साइंस विभाग में लेने का विचार बनाया, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों का जो फिजिक्स है, फिजिक्स में जो भाग मतलब फर्स्ट भाग है, पहला भाग है, पहला भाग आपको सारा सब्जी पढ़ाएंगे और जो दूसरा भाग है वह हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक। तो दूसरे भाग में आज आप लोगों का लेसन फर्स्ट है इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आप देख रहे हो आपका क्लास 11 फिजिक्स लेसन फर्स्ट इलास्टिसिटी पार्ट 1। अब पार्ट 1 में हम लोग पहले चर्चा करेंगे प्रत्यास्थता और प्रत्यास्थता के आधार पे वस्तुओं को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है और विरूपक बल और प्रत्यास्थता के कारण। तो पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे। जैसा आप लोग अपने दैनिक जीवन या अगल बगल आसपास गीली मिट्टी, रबड़ और ईंट, इन तीनों चीजों को आप लोगों ने देखा होगा, इन तीनों चीजों को आप लोग देखा होगा। जैसा कि आप लोग यदि रबड़ देखे हैं, रबड़ को तानते हैं फिर छोड़ देते हैं तो पुनः वह अपनी अवस्था को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो आपने जो बल लगाया, जो उसके आकार आकृति दोनों में परिवर्तन हुआ, उस बल को हम क्या बोलते हैं, विरूपक बल, ठीक। तो जब हम लोग किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, बल लगाने पर वस्तु के आकार में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो वह बल क्या कहलाता है आपका, विरूपक बल। यदि आपने रबड़ पर क्या किया, बल लगाया फिर बल को हटा लिया तो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में चला जाए गया, ठीक। और दूसरा आपका है ईंट, ईंट पे यदि आपने बल लगाया, ईंट पे आपने बल लगाया तो आपके बल लगाने पर उसके आकार आकृति परिवर्तन नहीं हुआ। इस आधार से इसे आप लोग क्या कर सकते हो, यह दृढ़ है, कठोर जिसे आप बोलते हो, यानी आपका जो ईंट है वह कठोर हो गया और जो रबड़ आया वो क्या आ रहा, आपका प्रत्यास्थ। और तीसरा होता है प्लास्टिक। तो गीली मिट्टी आप लोगों ने देखा होगा, यदि गीली मिट्टी को आप क्या लुगदी बनाकर यदि उसे दबा देते हैं तो अपने पूर्ण अवस्था में नहीं जाता है, वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं जाता है, यानी आप इसे कर सकते हैं क्या है आपका, प्लास्टिक। यानी आप कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता के कारण, प्रत्यास्थता के गुण के कारण वस्तुओं को हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन सा, प्लास्टिक, ढेड़ और प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ प्रत्यास्थ नहीं प्रत्यास्थ, ठीक। आइए हम लोग किताबी परिभाषा से आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे आप लोग को नोट बनाना है, ठीक। तो पहले हेडिंग है आपका इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थ के गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता बोलते हैं। तो वस्तु का वह गुण लिखा है ना, वस्तु का वह गुण जिससे वह प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है, क्या कहलाती है आपका, प्रत्यास्थता। यदि किसी वस्तु पे अगर हम लोग बल लगाएं, बल लगाने पर इन बल को हटा दें तो जो वस्तु के आकार एवं आकृति में जो परिवर्तन होता है पुनः वह अपने पूर्व अवस्था में लौट आती है, तो जिसके गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। और इसी प्रत्यास्थता के आधार पर, इसी प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है, तीन भागों में बांटा है, तीन भागों में बांटा है। पहला भाग कौन सा आपका, प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक, आप लोग इलास्टिक जैसे यहां पे देख रहे हैं, विरूपक बल, अब विरूपक बल बार बार आ रहा है, जैसा बताए हैं कि वह बल जो किसी वस्तु पर लगाने पर वस्तु के आकार एवं आकृति दोनों में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विरूपक बल। तो इलास्टिसिटी में विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेता है, अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ। जैसे रबड़, रबड़ के समान और भी वस्तुएं हो सकती है,
जो रबड़ के समान गुण प्रदर्शित करती हो उसे हम लोग प्रत्यास्थ कह सकते हैं। दूसरा है आपका यहाँ पे धीड़, जैसे विरूपक बल को हटा लेने पर, बिल्कुल भी विरूपित नहीं होती है। विरूपक बल को लगाने पर बिल्कुल विरूपित नहीं होती। यदि हम लोग विरूपक बल लगा रहे हैं लेकिन उसके आकार एवं आकृति में कोई परिवर्तन आपका नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, धीड़ बोलेंगे। जैसे आपका ईट, अब ईट के समान और भी वस्तुएं आपकी हो सकती है। ठीक, तीसरा आपका है प्लास्टिक। प्लास्टिक में आपका विरूपक बल को हटा लेने पर, अपनी पूर्व अवस्था में लौटती नहीं है। मतलब विरूपक बल हमने लगा दिया, विरूपक बल को लगाने के बाद पुनः उसको बल को हटा लेते हैं लेकिन उसकी अवस्था में कोई मतलब दोबारा पूर्व अवस्था में नहीं जाता है। यानी जिस आकार आकृति में परिवर्तन किए वह उसी में बना रहता है। यानी हम कह सकते हैं वो साम्य अवस्था में नहीं जाती है। जैसे में गीली मिट्टी को आप क्या लुगदी बनाकर यदि उसे दबा देते हैं तो क्या होता है, वह पूर्व अवस्था में नहीं जाती है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं प्लास्टिक, या हम लोग कह सकते हैं कि जो गीली मिट्टी है यह आदर्श प्लास्टिक है। अगला है आपका विरूपक बल। जैसा बताया पहले ही, विरूपक बल क्या होता है, वह बल जिसे किसी वस्तु पर लगाने पर वह उसकी आकृति या आकार दोनों में परिवर्तन कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विरूपक बल। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रत्यास्थता का कारण क्या होता है, प्रत्यास्थता का कारण क्या होता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो वस्तु या पदार्थ होते हैं आपके अणु या परमाणु से बने होते हैं और इसमें जब वह साम्य अवस्था में रहते हैं यानी जब किसी वस्तु या पदार्थ पर कोई बाहर से बल हम लोग नहीं लगाते हैं तो जो उनके अंदर अणु और परमाणु होते हैं वह एक दूसरे को आपस में खींचे रहते हैं। यानी उनके अंदर क्या होता है, एक बल लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं अंतराणविक बल। वह अंतराणविक बल के विरुद्ध जब हम लोग बाहर से बल लगाते हैं या तो दो कंडीशन होगा, या तो उनके जो अणु या परमाणु होंगे दूर दूर हटेंगे या तो पास आएंगे, दूर दूर हटेंगे या पास आएंगे। और जो हमने विरूपक बल लगाया है इस बल के विरुद्ध वो परमाणु या अणु क्या करते हैं, अपनी पूर्व अवस्था में आना चाहते हैं। यानी वो लोग भी क्या करते हैं, एक बल लगाते हैं जिस बल को हम लोग बोलते हैं प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल। अब इस प्रत्यानयन बल को जब हम लोग क्या किए, इस परिवर्तित करके, यानी जो आपका अंतराणविक बल था अंतराणविक बल को परिवर्तन करने पर जब हमने बल हटाया तो वह अंतराणविक बल पुनः किस कौन लाया, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या होगा, दोबारा उसको साम्य अवस्था में ला दिया। प्रत्यानयन बल के कारण ही वे साम्य अवस्था में आते हैं और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता। यानी प्रत्यास्थता का कारण क्या है, अंतराणविक बल। ठीक, इस नोट को आप लोग तैयार करिएगा और इसका स्क्रीन शॉट लेकर अच्छे से, और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग इस फिजिक्स के जो यूट्यूब से बन रहा है यदि आप लोग इससे बने रहने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आप लोगों का मतलब पिछला वीडियो भी क्या होगा, आपके साथ जुड़ा रहेगा। यदि पिछला नहीं समझ में आता है तो आप लोग पिछला खोल के देख सकते हैं। सो फॉर थैंक्स।